यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और थोड़ी ही देर पहले खबर ये मिल रही है कि श्रद्धालुओं का पहला जत्था जो है पहलगाम बेस कैंप से पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ है। तो आज से बाबा बर्फानी के दर्शन शुरू हो रहे हैं, आज से लेकर 19 अगस्त तक अब ये दर्शन जारी रहेंगे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बेस कैंप से रवाना हुए और सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की मॉक ड्रिल भी चल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहला जत्था करीब 3000 श्रद्धालुओं को लेकर पहलगाम से रवाना हुआ है। बताया जा रहा है पहले दिन पवित्र गुफा के करीब 6000 श्रद्धालु दर्शन करने वाले हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रास्तों पर सीसीटीवी के साथ साथ जवानों की तैनाती भी की गई है। इसके अलावा यात्रियों की बाकी सुविधा के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, जहां पवित्र गुफा के लिए रवाना हो गया है पहला जत्था। ये करीब 3000 श्रद्धालु हैं। देखिए, हर हर महादेव के जय घोष करते हुए पहलगाम से पहला जत्था रवाना हुआ। करीब 6000 श्रद्धालु दर्शन करेंगे बाबा बर्फानी के। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से आए यात्री अब पहलगाम के नुनवन बेस से पवित्र की गुफा की ओर बढ़ेंगे। ये जो यात्री है ये देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अब पहलगाम से पवित्र गुफा की ओर इन्होंने अपना सफर जो है शुरू किया। इनकी जुबान पर एक ही जय जयकार है, वो है बम बम बोले। बाबा बर्फानी की जय जयकार के साथ ये पवित्र यात्री जो है पवित्र गुफा की ओर बढ़ेंगे। 4603 के करीब यात्री जो है उन्होंने कल जम्मू से श्रीनगर का सफर किया था। कल जम्मू से पहलगाम के नुनवनम बेस कैंप और सोनमर्ग के बालतल बेस कैंप में ये पहुंच गए थे और आज सुबह 5 बजे के करीब इन यात्रियों को पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति मिली। इनसे भी बातचीत करते हैं और किस तरह का जोश और उत्साह उसे पूछते हैं। कहां से है जानिए सर? छत्तीसगढ़। जोश और उत्साह है, अभी 5 बज गए हैं और बाबा बर्फानी की गुफा की ओर आप जाने वाले हैं। बहुत ज्यादा जोश है सब में और बहुत सारे ग्रुप के मेंबर्स हैं हमारे, हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है पहले जत्थे में जाके। आपको कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा उत्साहित हैं हम लोग बाबा जी के दर्शन करने के लिए। रात 12 बजे से वहाँ लाइन में लगे हुए थे हम लोग दर्शन करने के लिए। अब आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। जय भोले हर हर महादेव। यहाँ की व्यवस्था बहुत सुंदर है सर, यहाँ के आर्मी की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, यहाँ के जो लंगर भंडारे की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, यहाँ खाने पीने की बहुत ज्यादा सुविधा है और यहाँ के खास करके साइन बोर्ड जो समिति है उसको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि उनकी व्यवस्थाएं बहुत सुंदर है। हम लोग बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मैं लखनऊ से हूँ जी। कितने खुश हैं बाबा? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। बाबा को त्रिशूल चढ़ा के आएंगे, बाबा का निशान चढ़ा के आएंगे, अच्छे से दर्शन करेंगे। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। आप सभी प्रशासन का और मिलिट्री वालों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप कहाँ? छत्तीसगढ़ से सर, ये तीसरी बार है यात्रा। बहुत अच्छा लग रहा है सर जी और बहुत अच्छा भंडारा वगैरह का व्यवस्था है, बहुत अच्छा सुविधाएं हैं। जय भोले, जय भोले हर हर महादेव। तो इस तरह से जो यात्री हैं वो उन्होंने अपना सफर जो है पहलगाम के नुनमनम बेस कैंप से वहां पर जो है पवित्र गुफा की ओर शुरू किया है। 4603 के करीब जो यात्री हैं कल पहलगाम के नुनवनम बेस कैंप और सोनमा के बालतल बेस कैंप में पहुंचे थे और अब सुबह प्रशासन की अनुमति के साथ ही ये यात्री जो है पवित्र गुफा की ओर इन्होंने अपना सफर जो है वो शुरू किया है। काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा इन यात्रियों को क्योंकि चंदनवारी से पवित्र गुफा तक का जो रास्ता है पहाड़ों से होते हुए यात्रियों को जाना पड़ेगा। रास्ते में प्रशासन ने कई तरह के अरेंजमेंट्स किए हैं ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़ेगा, लेकिन ये सफर जो है इंतहाई चुनौतियों वाला सफर रहता है और हर एक वक्त जो है वो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जो है काफी मेहनत से काफी जोश और उत्साह के साथ अब यहां से निकल पड़े हैं और आज जो है बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच जाएंगे। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सोहेल, पहलगाम।